नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ लेकर देश और दुनिया की इतिहास में दर्ज 17 अप्रैल की कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी। 17 अप्रैल कई वजहों से इतिहास में अंकित है। 17 अप्रैल 1975 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के निधन की वजह से भी जानी जाती है। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूगोस्लाविया और ने जर्मनी के समक्ष इसी दिन आत्मसमर्पण किया था। 1946 17 अप्रैल को सीरिया ने फ्रांस से आजादी मिलने की घोषणा भी इसी दिन की थी। 1986 17 अप्रैल को नीदरलैंड और सिसिली देशों के बीच में युद्ध की स्थिति को खत्म करने की घोषणा करते हुए शांति बहाल की गई थी। 17 अप्रैल 1971 में मिस्र, लीबिया और सीरिया ने मिलकर यूनाइटेड अरब स्टेट बनाने के लिए संघ का गठन किया था। 17 अप्रैल में 1947 श्रीलंका के महानतम खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन का जन्म हुआ था। 17 अप्रैल 1982 को कनाडा ने अपना संविधान अपनाया था। 17 अप्रैल को अमेरिका ने निवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था। 1993 अंतरिक्षयान STS-56 डिस्कवरी इसी दिन धरती पर वापस लौटा था। मिस्र, लीबिया और सीरिया ने भी इसी दिन संघ के गठन की घोषणा की थी। 1524 जियोवान्नी वेरोना ने न्यूयॉर्क खाड़ी की इसी दिन खोज की थी। 1875 17 अप्रैल के दिन सर नेविल चैम्बरलेन ने स्कूनर का आविष्कार किया था। 17 अप्रैल 1899 में कलकत्ता को पनबिजली इसी दिन मिली थी। 1941 17 अप्रैल के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूगोस्लाविया ने जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। 17 अप्रैल की बात करें तो 1977 में जनता पार्टी ने अपने आप को जनता पार्टी में विलय किया था। और 17 अप्रैल 1983 को भारत ने SLV-3 रॉकेट का प्रक्षेपण इसी दिन किया था। और फिलहाल 17 अप्रैल की जानकारी इतनी ही। इस इतिहास की किताब का पन्ना फिलहाल बंद करते हैं और कल हम हाजिर होंगे अगली तारीख की कुछ और खास जानकारी के साथ। और निर्मला राव को दीजिए फिलहाल इजाजत। जय हिंद, जय भारत, और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।